नमस्ते प्रधानमंत्री जी, बातचीत में आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आज किसान आंदोलन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। नमस्ते। सबसे पहले बातचीत में आने के लिए खुशी हुई। किसान देश की रीढ़ है, तो अब किसान आंदोलन की बात करें तो यह एक जटिल मुद्दा है। किसानों की चिंताओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री जी। किसानों को उचित मूल्य, सिंचाई की सुविधा, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर चिंता है। इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उदाहरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है। साथ ही हम कृषि बाजार सुधारों पर भी काम कर रहे हैं ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। यह सराहनीय है प्रधानमंत्री जी, लेकिन कई किसानों का मानना है कि ये योजनाएं नाकाफी हैं। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर लागू करने में दिक्कतें हैं। आपकी बात सही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। इसके लिए हम भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता लाने पर भी जोर दे रहे हैं। साथ ही किसान संगठनों के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आखिर में आप देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान संगठनों के महत्व को समझता हूँ। हम उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनकी मांगों को सुनना और उनका समाधान ढूंढना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन बातचीत के रास्ते पर चलना भी जरूरी है। हिंसा और आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसान हमारे देश की रीढ़ है। उनकी मेहनत से ही हमारी थाली कभी खाली नहीं रही। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ है। हम उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि हम मिलकर एक समृद्ध और खुशहाल कृषि क्षेत्र बना सकें। आपका बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपके विचारों से जनता को किसान आंदोलन को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।